वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको अगर किसी और क्वेश्चन में दिक्कत है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट में बताएं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू वन है और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई टू है, हमें ए निकालना है। तो सबसे पहले बात कि हमें सबका वैल्यू पता होना चाहिए हर साइन का, कि साइन का किस पोजिशन पर क्या वैल्यू होता है। तो हमारे पास है साइन ए प्लस बी इक्वल टू वन। तो साइन वन कब होता है? साइन 90 में। तो पहला चीज़ तो ये पता होना चाहिए। तो क्या हो गया? ए प्लस बी इक्वल टू 90, ठीक है। ये साइन साइन ए की जैसा तो हो गया। अब आपके पास है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई टू। तो कॉस ए माइनस बी कब होता है? 60 पे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इक्वल टू 60। तो a माइनस बी इक्वल टू 60। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये b b कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ये आएगा 150 इधर, और ये हो जाएगा a इक्वल टू 150 बाई टू 75। जिसको एडिशन समझ में नहीं आया उसके लिए मैं अलग से कर रहा हूँ। ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बायां वाला दोनों बाएं साइड ऐड कर देंगे और दायां वाला दोनों दायां साइड। तो ये होगा प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2a बचेगा हमारा, ये हो गया 150। तो a इक्वल टू हो गया 150 बाई टू 75। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पे, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।